Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to study selection tool. Okay, so in Flash we have selection tool. Before studying this, let us create one rectangle. मैंने एक rectangle create कर दिया, जैसे आप देख सकते हैं work area पे. Now यहाँ से मैं select कर रही हूँ selection tool को, और उसको select करके मैं कोई भी square को या rectangle part को cut कर सकती हूँ. Okay. तो बेसिकली जो सिलेक्शन टूल होता है वो क्या करता है, सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है. किसी भी पार्ट को आप सिलेक्ट कर सकते हो, रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्ट कर सकते हो. इसको बोलते हैं हम सिलेक्शन टूल, जो कि एक एरो या पॉइंटर को डिनोट करता है. नेक्स्ट मैंने लिया है लैसो टूल, जैसे कि आपने देखा. ओके, ये भी कट करने के लिए या एरिया को सिलेक्ट करने के लिए यूज करते हैं अपन, लेकिन इररेगुलर शेप में. देखिए, मैंने इररेगुलर शेप में उसको कट कर दिया है, जबकि जो पहले वाला टूल था हमारा वो सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप में कट कर रहा था. ओके, तो ये देखिए मैंने दो इररेगुलर शेप से उसको कट कर दिया है. सो हमने एक पढ़ा सिलेक्शन टूल, दूसरा हमने पढ़ा लेसो.